हेलो टू माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास द चैप्टर नंबर फोर्टीन दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी अंकल टोम वन डे ईवा सेट नियर अंकल टोम अंकल टोम वाज़ कटिंग लिटिल बास्केट्स आउट ऑफ चेरी स्टोन एक दिन ईवा अंकल टॉम के साथ बैठी थी अंकल टोम चेरी स्टोन में से छोटी छोटी बास्केट्स को काट रहे थे ड्रॉइंग फनी फेसिस ऑन नेट शेल्स एंड मेकिंग विसल आउट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ स्टिक वो फनी फेसिस नेट शेल्स के ऊपर बना रहे थे और वे छड़ी से छोटी छोटी विसल भी बना रहे थे छड़ी के जो छोटे चोट छोटे पीस होते हैं उसमें से विसल बना रहे थे आफ्टर वाइल ही स्पोक्स टू ईवा वट इज़ द लिटल बेसी नेम ही आस्ट कुछ देर बाद वे इवा को पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है लिटल वन एंड है मुझे टॉम कहते हैं पर मेरे पुराने घर में सभी बच्चे मुझे अंकल टोम कहते थे द नाई टू शिल कॉल यू अंकल टोम बिक आई लाइक यू सेवा वेर आर यू गोइंग अंकल टोम देन ईवा कहती हैं मैं भी अंकल टॉम ही बुलाऊंगी क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ वो पूछती है कि आप अंकल टॉम कहाँ जा रहे हो आई डोंट नो मिस ईवा वो कहता है कि मुझे नहीं पता यू डोंट नो सडिन सरप्राइज यू मस्ट नो वेयर आर यू गोइंग वो हैरान हो जाती है कि अंकल टॉम को ख़ुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो कहती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं Now I only ओनली नो दैट आई एम गोइंग टू स्लेव मार्केट टू बी सोल्ड सम न्यू मास्टर्स आई कैन नाट से हु इज़ ही वो कहती है नहीं वो कहता है नहीं मुझे ये मुझे सिर्फ़ इतना ही पता है कि मैं स्लेव मार्केट में जा रहा हूँ जहाँ मुझे कोई न्यू मास्टर खरीदेगा आई कैन नाट से हु ही इज मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन है आई शल आस्क papa पापा टू you then," सेड ईवा मैं अपने पापा से पूछती हूँ कि वो आपको खरीद लें इफ़ यू buys यू यू विल हैव गुड टाइम विद अस वो अगर आपको खरीदते हैं तो हम इकट्ठे अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं थैंक यू माई लिटल लेडी टॉम सेड टॉम कहता है थैंक यू सेड थैंक यू ईवा After that, the boat stopped for a short while. Boatmen hold up a lot of wood. Tom helped them in their work. क्या उस जल्दी ही बोट रुक जाती है कुछ देर के लिए बोट लकड़ियों का जो वुड है वुड के लोड को बोट में उतारता है और टॉम उस 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 काम में सबकी हेल्प करता है ईवा एंड हर फादर स्टूड एट द बॉट रेल टॉकिंग एंड लुकिंग ऑन ईवा और उसके फादर बॉड बॉट में से देखते हैं और बातें करते हैं देन ऑल द वै बीन होल्ड बोड द बॉट द बॉड सेटअप सेट ऑफ अगेन डाउन द रिवर जब लकड़ियों का लॉर्ड बॉड में उतार लिया जाता है तो बॉड को फिर से स्टार्ट किया जाता है इट्स विद सडन जग वो एकदम से ही झटके से बोर्ड स्टार्ट होती हैं सो सडन दैट लिटल इवा स्लिप्ड ओवर द साइड ऑफ बोर्ड ईवा एकदम से स्लिप हो जाती है बॉर्ड में से एंड फेल इन टू द रिवर वो पानी के नीचे गिर जाती हैं हर फादर वॉज गोइंग इन आफ्टर हिस्सिटल डॉटर उसके फादर डूबने ही वाले होते हैं अब ऑफ ड्रॉन बट ही सो दैट समवन हैड बीन इट वॉज अंकल टॉम कि वो क्या देखते हैं कि उनसे भी तेज कोई है जो पानी में कूद जाता है वो कौन है अंकल टॉम टॉम वॉज अ गुड स्विमर बिफोर लॉन्ग ही हैड द लिटिल गर्ल इन ए स्ट्रोंग क्राफ्स टॉम एक अच्छे स्विमर होते हैं बिफोर लॉन्ग ही हैड लिटल गर्न गर्ल इन ए स्ट्रॉन्ग ग्रैप वो जल्दी ही जल्दी ही ईवा उनके पकड़ में आ जाती है सून ही बॉट हर टू द साइड ऑफ बॉड वो जल्दी ही बॉड की साइड पर लेके आ जाते हैं एंड बोथ ऑफ देम ड्रिपिंग बट नॉट मच वर्स जल्दी ही वो भीग इतना भीग नहीं जा इतना भीगते भी नहीं है वर लेफ्ट सेफली ऑन बोर्ड वो बोर्ड में सेफली पहुंच जाते हैं द नेक्स्ट डे ईवा फादर टू शो हिज थैंक बॉट अंकल टॉम फ्रॉम द स्लेव मार्केट अगले दिन ईवा फादर उसका थैंक्स करने के लिए उसको थैंक्स शो करने के लिए अंकल टॉम को खरीद लेते हैं सो लिटिल ईवा हैड हर विश इससे लिटिल ईवा की विश भी पूरी हो जाती है इवाज फादर मेड टॉम हिज कोचमैन फॉर ओल्ड स्लेव न्यू ऑल अबाउट हॉर्स इवा फादर टॉम को कोचमैन बना देते हैं क्योंकि टॉम अंकल टॉम को हॉर्सेस के बारे में पता होता है सुन टॉम वॉज हिज मोस्ट ट्रस्टेड सर्वेंट एंड ही वॉज वेरी हैप्पी न्यू होम जल्दी ही टोम एक ट्रस्टेड सर्वेंट बन जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी इस न्यू घर में ग्रैंड फादर्स एंड लिट हिज पाइप अगेन ग्रैंड फादर खड़े हो जाते हैं और अपनी पाइप को चलाते हुए कहते हैं "वेल चिल्ड्रन," ही सेड "डिड दैट स्टोरी प्लेस यू आपको ये स्टोरी न, आ, स्टोरी ने खुश किया इट वॉज सप्लेंडेड अनुराग कहता है इट वॉज सो सप्लेंडेड इट्स दैट ऑल ऑफ इट ये कि ये इतना ही है नो दैट इज नॉट एट ऑल सेड ग्रैंड फादर नो ये इतनी ही स्टोरी नहीं है वेन यू आर ओल्ड यू विल रीड द होल स्टोरी इन अ बुक कोल्ड अंकल स्टोम कैबिन जब आप बड़े हो जाओगे यू विल रीड द होल स्टोरी दिस एंड द बुक नेम इज अंकल स्टोम कैबिन आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी We shall set children together. सब बच्चे इकट्ठे होकर बोलते हैं We shall हम इसको read करेंगे